अगली खबर का, बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम साइबर यूनिट, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और बिलासपुर पुलिस के द्वारा दो प्रकरण में 119 किलोग्राम गांजा की जब्ती की गई है। बिलासपुर पुलिस के द्वारा एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में अवैध गांजा की बिक्री करने के लिए दो लोग एक कार में सवार होकर बिलासपुर जिले में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल घेराबंदी कर कार्रवाई के लिए पूरी टीम के साथ मुखबिर के बताए हुए जगह पर एक्टिव हो गई। बिलासपुर पुलिस के द्वारा जो है आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें बिलासपुर की एंटी साइबर एवं क्राइम यूनिट और साथ ही नारकोटिक्स का जो टास्क फोर्स गठित हुआ है, इन्होंने जो है थाना के स्टाफ के साथ मिलकर गांजा के खिलाफ दो कार्रवाई की है, जिसमें एक सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक क्विंटल गांजा पकड़ा गया है, जिसमें दो आरोपी हैं चंद्र प्रकाश कौशिक और खिलेश्वर कौशिक। ये एक ब्रेजा कार में उसको अवैध रूप से परिवहन कर रहे थे और पुलिस ने जो है गांजा और सप्लाई किए जा रहे कार दोनों को जब्ती करके उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर बेमित्रा से आ रही है। बेमित्रा में पहली बार फ्रेंडशिप ट्रॉफी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। लगातार 8 दिनों तक ये आयोजन चला है और क्षेत्र के 32 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। एक ही दिन शानदार 3 मुकाबले हुए, इसमें 2 सेमीफाइनल व 1 फाइनल मुकाबला हुआ। वहीं प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि कलेक्टर विलास बौस्कर संदीपन, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा, जिला खेल अधिकारी नागेश्वर तिवारी, वार्ड पार्षद श्रीमती रानी डेनिम सेन ने किया। वही कलेक्टर SP ने प्रतियोगिता की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर यह एक अच्छा आयोजन है, हमेशा इस तरह का आयोजन इस मैदान पर होते रहना चाहिए। खेल खेलने वाले खिलाड़ियों को मौसम का फर्क नहीं पड़ता, विजेता व उपविजेता दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। मैदान ये आज फैंस क्लब द्वारा और मंडी द्वारा यहाँ एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, जो बड़ा सौहार्दपूर्ण और अच्छा मैच रहा और जिलाधीश महोदय भी हमारे आए हुए थे इसी में, तो इसी सिलसिले में बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु हम आए हुए थे। मैं वो मैच का आनंद नहीं ले सका। जीत के बाद बहुत खुशी हो रही है। इस साल का हम लोग का ये 4th टूर्नामेंट है जिसको हम लोग जीते हैं बेमेतरा के अंतर्गत। बहुत ही मजा आ रहे हैं जीतने के बाद। जुन्नू भैया के कप्तानी में यह 4th टूर्नामेंट है और हमारे बहुत अच्छे हमारे कोच के रूप में भी अमित भैया भी हैं, हमारे बीच बॉलर भी है, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर हमारे टीम में, बहुत अच्छे बैट्समैन है। क्रिकेट खेल के काफी इंजॉय करते हैं, इंजॉय के रूप में खेलते लगभग ज्यादा। आज के जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? आज की जीत का श्रेय सभी प्लेयरों को, 11 प्लेयरों को है और खासकर हमारे जुनैद भैया को जो हमारे टीम के कप्तान है, वही कप्तान है, इसी कारण लगभग वो टीम को एक जोड़ के रखा गया। इस कारण हम बस थोड़ी कमजोरी होगी हमारे बैटिंग लाइन पर, शुरू के दो ओवर तो काफ़ी अच्छे गए मगर हमारे बाद में बल्लेबाजी अच्छी नहीं हो पाई, जिसका कारण हम ये मैच हार चुके हैं। क्या लगता है इतने गर्मी में भी टूर्नामेंट खेले हैं आप लोग, कैसा अनुभव रहा है? यही तो टेम्परमेंट है बल्लेबाज का, कितनी गर्मी में आप खड़े हो सकते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं खड़े होते। जो हमारे बड़े स्टार बल्लेबाज लोग हैं जो इंटरनेशनल के लिए खेलते हैं उनको जाकर देखिए, इससे ज़्यादा मेहनत करते हैं। कलेक्टर साहब भी लगभग पूरा मैच देखे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, कलेक्टर साहब की स्पीच बहुत अच्छी थी। और बिलासपुर के सीपत NTPC सीपत में 650 किलोवाट रूफ टॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक घनश्याम प्रजापति द्वारा किया गया। उद्घाटन के मौके पर महाप्रबंधक ने कहा कि NTPC सीपत हमेशा से हरित नवीकरण एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत रहता है। इसी कड़ी में NTPC सीपत में 650 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना विभिन्न भवनों के 7 रूफ टॉप पर की गई है। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरे भारत में 500 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है, जिसमें से 60 गीगावाट NTPC द्वारा उत्पादन किया जाएगा, जिसे प्राप्त करने में सौर ऊर्जा की अहम भूमिका रहेगी।
और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर तीन चरणों में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी। 31 मार्च 3 और 4 अप्रैल को बड़े पैमाने पर केंद्र के खिलाफ यह आंदोलन चलाया जाएगा। इसमें देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता घरों से गैस सिलेंडर चूल्हा निकालकर घंटी बजाकर केंद्र में बैठी सरकार को महंगाई के खिलाफ जगाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी। देश भर में और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने घरों से गैस सिलेंडर गैस चूल्हे निकाल के बाहर रख के प्रदर्शन करेंगे, घंटी बजाएंगे, थाली बजाएंगे, ड्रम बजा के केंद्र सरकार की कुंभकर्णी निंदा से जगाने का प्रयास करेंगे कि आज देश के लोग महंगाई से परेशान हैं, केंद्र सरकार उनको राहत पहुंचाए। इन सब कार्रवाइयों का उसी दिन कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित करेंगे। इसके अलावा 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक महंगाई मुक्त भारत का अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी ब्लॉकों में जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस अभियान के तहत तीसरे चरण में 7 अप्रैल को एक विशाल धरना आयोजित किया जाएगा। और अगली खबर कांकेर से है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के बैनर तले ग्रामीण डाक विभाग के कर्मचारी अपने 29 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि हड़ताल के दूसरे दिन परलकोट उपसंभाग के ग्रामीण डाक कर्मचारियों ने रैली निकालकर अपने मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण डाकपालों की मुख्य मांगों में कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने, ग्रामीण डाक सेवकों का नियमितीकरण करना, पुरानी पेंशन को लागू करना और अंग्रेजों के शासनकाल से चले आ रहे रूल 3 को हटाकर 8 घंटे का कार्य समय आदि लागू करना शामिल है। हम लोग अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ वाले सभी लोग इस मांग को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज 2 दिवसीय हड़ताल है केंद्र स्तर का। तो मेन मुद्दा ये है कि आज जब से अंग्रेजों के ज़माने से जो है रूल 3 लागू किया गया है डाक विभाग पर, ग्रामीण डाक सेवकों पर, और वो आज तक परिवर्तन नहीं हुआ है, उसका हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और रेगुलर किया जाए, हम लोग को नियमितीकरण किया जाए। आज बैरवा है और मैं सावेर ABPM हूँ, एसओ बांदे कॉलोनी के अंतर्गत, और हम लोग 2 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर? मुद्दा हमारा यह है कि अंग्रेजों के समय से हम लोग एक पीड़ित है, हम लोगों को पूरे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं और अंग्रेजों के टाइम से ही हम लोग जो हमें रेगुलर करना देना चाहिए, अभी तक हम लोग रेगुलर नहीं हुए। और अगली खबर कोरबा से सामने आ रही है, जहां शादी का झांसा देकर युवती का शोषण करने की खबर सामने आई है। वहीं झांसा देने वाले आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने पर युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नगर सैनिक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। श्रम कानून विधेयक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल पर गए बालकों के कर्मचारी को करोड़ों का नुकसान हो गया, जिसके चलते सभी आए होकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। एलुमिना गेट के सामने बाल प्रबंधन के कर्मियों के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा श्रमिक कानून पर बदलाव किए जाने को लेकर हड़ताल की जा रही है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो श्रम कानून पर बदलाव किए जा रहे हैं, वह बदलाव ना करें, उस कानून को वापस लें। बालको प्रबंधन को इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण करोड़ों की क्षति हो सकती है, क्योंकि कर्मियों ने प्रोडक्शन कार्य बंद कर दिया है। एटक श्रमिक नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार अगर श्रम विरोधी नीति को वापस नहीं लेती है, तब आने वाले समय में उग्र रूप से आंदोलन किया जाएगा। जयप्रकाश यादव, बालको इंटक का महासचिव। आज जो 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, उसका सिर्फ केवल एक ही उद्देश्य है कि केंद्र में बैठी सरकार जो श्रम कानूनों में परिवर्तन लेने लेकर के आने वाली है, वो श्रम विरोधी कानून है, उसका हम लोग विरोध करते हैं, उसको वापस लेना चाहिए। जैसे जो नए नए सुधार के नाम से जो श्रमिकों के
बांधने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उससे हम उसको दूर कराना चाहते हैं। इसके संबंध में बेरोजगारी के संबंध में, महंगाई के संबंध में और किसानों के साथ में जो आंदोलन किए उसके संबंध में सारी चीजों को लेकर के दो दिवसीय आंदोलन जो आम हड़ताल है वो जन जन तक पहुंचाने का हमारा काम है। इसी तरीके से बालको अपना संयंत्र में भी हमने डिस्पैच को बंद करके हम एक मैसेज देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो आगे और स्टेप उठा करके हम लोग इसको और कड़ा रुख अपनाएंगे। और भिलाई के सबसे लोकप्रिय घूमने की जगह मैत्री बाग में पार्किंग घोटाला सामने आया है। कोरोना काल में विगत दो वर्षों से बंद मैत्री बाग जो कि इसी महीने 1 मार्च को लोगों के लिए खोला गया है, इसका फायदा मैत्री बाग के अधिकारी साइकिल गाड़ी स्टैंड के नाम पर लोगों से अवैध वसूली करवाकर उठा रहे हैं, जबकि साइकिल स्टैंड का टेंडर 2020 में ही खत्म हो चुका है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पैसे देने के बावजूद भी एक व्यक्ति की गाड़ी मैत्री बाग के साइकिल स्टैंड से दिन दहाड़े चोरी हो गई। इसकी जानकारी हमारे संवाददाता को मिलते ही इस अवैध उगाही का स्टिंग ऑपरेशन किया गया। मजे की बात यह है कि इस साइकिल स्टैंड में सुरक्षा की दृष्टि से एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। ऐसे में अगर किसी की भी गाड़ी चोरी हो जाए या कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए तो सुराग के लिए कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में चोर इसका फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। जो जानकारी मिली है वो तो खैर अभी 2 दिन पहले ही कंसल का फोन आया था कि वो जो गाड़ियां पर गेट बंद है, साइकिल स्टैंड जो ठेका बंद है काफी दिन से, तो गाड़ियां उसको स्टैंड के अंदर रखवाई। तो हमने अभी 2 दिन पहले अपने गार्ड को रखा था और उसका काम था कि साइकिल स्टैंड में गाड़ियां रखवाएं। और अभी आपके द्वारा से पहले किसी ने हमें कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि अभी तक उसके हम विभाग द्वारा बोले के कोई जानकारी लेके उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर, किस प्रकार की कार्रवाई रही? कार्रवाई है तो पहले से उसको तुरंत हटाया जाएगा वहाँ से, और अगर उसके अगर हमें वो मिलते हैं तो उसमें सूत्र और सब मिलते हैं तो उसको हटा के दूसरी जगह करके जो भी कार्रवाई होती है विभाग की।